से हथौड़ी पर आप देख पा रहे हैं वो जो खांचा है उस खांचे में जाके लॉक हो गया। वेलकम बैक टू माय चैनल सिटी फर्नीचर। सो गाइज, आज हम लाए हैं आपके लिए एक नया वीडियो, और ये वीडियो है खिड़की को नए तरीक़े से कैसे बनाएं जो बगैर फेविकोल और बगैर कीले बगैर स्क्रू की मदद से आप उसको लॉक कर सकते हैं। और बिल्कुल ही नया तरीका है, ये सभी कारपेंटर भाई के लिए है। ये ऐसा एक नया ट्रिक है, हालांकि थोड़ा ये काम करने में समय लग सकता है थोड़ा सा, जैसे कि आप नॉर्मली सभी खिड़की काम करते हैं, सीधा होल सुल किए उसको फंसा दिए, स्क्रू मार दिए, लगा दिए, बस काम खत्म। और कभी कभी ये होता है कि वो वहाँ पे जो गैपें होती है थोड़े से सेंटर में जहाँ डिस जॉइंट होती है वो बिल्कुल बाद में अलग हो जाती है और गैप दिखती है, वो ऐसा नहीं है। मैं ये जो तरीका बताने जा रहा हूँ ये बिल्कुल कातरे में रहेगी, सामने देखने में 45 डिग्री जो कातरा होता है ना उसमें रहेगा, और एक पचर के माध्यम से इसको आप टाइट करके बिल्कुल लॉक कर सकते हैं। तो इस नए तरीके को आप अपनाइए और ऐसे आप काम कीजिए बिल्कुल बगैर फेविकोल बगैर कीला और बगैर स्क्रू की मदद से, एक पचर के माध्यम से, मात्र एक पचर के माध्यम से आप उसको टाइट करेंगे बिल्कुल लॉक हो जाएगा। ये बिल्कुल नया तरीका है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं भी ये काम करता हूँ। हालांकि थोड़ी सी आपको समय इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा और लेकिन काम बहुत। हेलो गाइज, जैसा कि मैं आपको आज बताऊंगा लॉक करने वाला खिड़की कैसे बनाया जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये फ्रेम है मेरा, ये ऊपर का है, कुछ इस तरह से है, और ये हमारा चूल, ऐसा लॉक करने सिस्टम बनाया जाता है। तो सबसे पहले आपको समझाता हूँ, मान लीजिए जितना हमारा मोटाई है, जो भी हमारा मोटाई हो, इस मोटाई के हिसाब से इसमें हम मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद में इसमें 3 सूत एक्स्ट्रा नहीं तो आधा इंची, जिससे कि हमारा ये चूल है बिल्कुल क्लियर चला जाए। हमेशा ध्यान रखें कि जो भी हमारा ये मार्किंग है ये हमारा बिल्कुल फाइनल मार्क है अंदर का, और ये 3 सूत का मार्क है, ठीक है, क्योंकि 3 सूत का हमारा जो पताम है, देख पा रहे होंगे ये 3 सूत का पताम है। तो जब भी आप बनाएं तो आधा इंची एक्स्ट्रा मार्किंग करके इसको बनाएं। बनाने के बाद में अभी सामने से इतना जो हमारा लास्ट फिनिश है अंदर वाला, उससे एक्स्ट्रा बार की तरफ मार्किंग करके उसी हिसाब से होल करें, और ये इतना होल होना चाहिए लूज, ताकि ये जो चूल है बिल्कुल आसानी से चला जाए। अब आपको ये हो गया हमारा अंदर का, जिस और ये हो जाएगा 45 डिग्री में कतरा मारना है आपको। कतरा ऐसा मारना है कुछ हिस्सा यहाँ पे बची रहे, जैसे कि 1.25 इंच हो गया, और ये कम से कम आधा इंच होना चाहिए ये कतरा वाला हिस्सा। ये चूल अपने हिसाब से रख सकते हैं आपको कितना मोटा रखना है, ताकि उसमें मजबूती बनी रहे। और पीछे साइड में आपको दिखाता हूँ, पीछे साइड में कुछ इस तरह से होल होगा, ये जो दिख रहा है अंदर वाला हिस्सा, इसमें जा कर के ये चीज़ आके लॉक हो जाएगी। और इसमें कैसा करना है, इसमें मार्किंग ऐसा करना है, जैसे ये फ्रंट हो गया ना, ये अंदर का मार्किंग हो गया जहाँ पे हमारा फाइनल मार्क है। अब इससे हमको कम से कम आधा इंच रखना है। आधा इंच क्यों रखना है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे हमारा ये जितना मोटाई है, मान लीजिए आधा इंच है, तो आधा इंच थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर आधा इंच नहीं है, आधा इंच से ज़्यादा है, तो ये वाला जो कट है ये कम से कम आधा सूत ज़्यादा रखना पड़ेगा लूज, ताकि आसानी से इसके अंदर चला जाए। अब कैसे फिट करना है आपको दिखाता हूँ। आपको अभी इसके अंदर जा रही देख पा रहे होंगे आप, इसको हथौड़ी की सहायता से इसको ठोकना है। जब ये बिल्कुल
मालूम पड़ जाए ये बिल्कुल टच हो गया है, यहाँ से बिल्कुल टच हो गया। उसके बाद से क्या करें, साइड से हथौड़ी मारें, आप देख पा रहे हो वो जो खांचा है उस खांचे में जाके लॉक हो गया। फिर बाद में क्या करें, पीछे से जो ये एक्स्ट्रा होल दिख रहा है आपको, देख पा रहे होंगे, इसमें एक पचड़ बना कर टाइट कर दें। ये पचड़ जितना टाइट करेंगे उतना ही अच्छी तरह से ये चिपक जाएगा कातरा। ध्यान रहे कि ज़्यादा टाइट आपको पचड़ नहीं मारना है, नहीं तो फट भी सकता है। उसी हिसाब से पचड़ आप टाइट करें और साइड से ये बिल्कुल होल रख क्लियर रखें, बिल्कुल एकदम ना ऊपर जाए ना नीचे जाए। तो इस तरह से आप लॉक करने वाला जंगला बना सकते हैं। हालांकि थोड़ा इसमें काम ज़्यादा हो जाता है, लेकिन काम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। फिर बाद में जब भी आपको निकालना हो तो इसके अंदर से थोड़ा सा ऐसा मार दें, हल्का सा, उसके बाद में ये पीछे से ऐसा मार देंगे तो ये आसानी से निकल जाएगा। देख पा रहे होंगे कितने अच्छे ढंग से ये लॉक करने वाला खिड़की बन गया। तो इस तरह से आप भी काम कर सकते हैं। अब देख लीजिए मार्किंग कैसा करना है आपको। ये फाइनल मार्क है अंदर का, उससे जितना हमारा ये पताम है, जितना पताम है उससे 300 छोड़ करके आपको कातरा का कटिंग करना है 45 डिग्री में। ध्यान देना चाहिए क्योंकि यहाँ पे ये लॉक है ना आपका। दूसरी बात, ये पताम कट जाने से जो ये साइज मिल रहा है वो भी ये साइज मिलेगा। स्क्वायर करने बाद में आप कातरा का मार्क कीजिए, उसके बाद ही कटिंग कीजिए। ये तो इस तरह से आप लॉक करने वाला चौकट बना सकते हैं। बाकी जो सेंटर में जो अगर लगाने की ज़रूरत पड़ेगी तो वैसे सीधा होल रखिए, आप देख पा रहे होंगे सीधा होल है बिल्कुल। और जब भी आप बनाएं तो ये कम से कम 3.25 इंच होना चाहिए, 2.5 इंच 3.25 इंच मोटाई होना चाहिए। और ये कम से कम, ये तो ज़्यादा है, 4.25 इंच है, लेकिन आप 4.5-4 इंच भी रख सकते हैं। और ये जो पताम है कम से कम 1 इंच होना चाहिए। देख लीजिए एक बार फिर दिखाता हूँ आपको, इस तरह से आपको लॉक कटिंग करना है। मार्किंग सेम वही है, बस क्या करना है जिस तरह से आप पहले आप अपना चौकट बनाते हैं सिंपल ही वाला जो सीधा सीधा होल करते हैं, बस सीधा सीधा होल में क्या होता है कि ये जो मार्किंग आप अंदर वाला है और ये बाहर वाला बिल्कुल फेस टू जैसे पीछे नीचे रहता है वैसे ऊपर भी रहता है। अब इसमें क्या करना है, थोड़ा सा आपको 300 बढ़ा देना है, और जब ये 300 बढ़ेगा तो ये भी 300 बाहर तरफ बढ़ जाएगा, ताकि पीछे से आपको पचड़ा टाइट करने का जगह मिल जाए। इतना कम से कम आता है। तो जब इधर से आप लॉक करेंगे, प्रेस करेंगे इस साइड से, तो इसमें टच हो जाएगा और साइड में गैप हो जाएगा, जिससे आप पचड़ा आसानी से मार सकते हैं। दोस्तों ये विंडो फ्रेम बनकर बिल्कुल रेडी हो गया।